इमोशनली आप कितने स्ट्रॉन्ग है चेक कब होगा? जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर ओपिनियन दे और वो भी मीटिंग में दे और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करें, उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा, तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कोवी ने यही बात लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द 8th हैबिट, उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ। उसमें यही बात लिखी है। स्टीफन कवि आए थे भारत, 5 दिन रुके ये बुक की प्रमोशन के लिए, 4 सेमिनार किए, 1 सेमिनार 700 से 1000 लोगों ने अटेंड किया, 1 डेलीगेट फी 23,000 रुपये की थी। मुंबई में ओपनिंग हुआ, ओबेरॉय में फंक्शन था, 700 सीट्स थी, 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुई और 86 सेकेंड्स में, 1 मिनट एंड 26 सेकेंड्स में 700 डेलीगेट्स ने पैसे भर दिए पूरे भारत में से, क्योंकि नाम तो बड़ा था स्टीफन कोवी। 6 घंटे के सेमिनार में 5.5 घंटा सेमिनार मैनेजर्स और वीडियो ने चलाया, आधे घंटे के लिए ही सिर्फ स्टीफन कोवी मंच पे आए थे। आधे घंटे में 10-12 बार में एक वाक्य बार बार बोलते थे, वही वाक्य को, वही सेंटेंस को बॉक्स आइटम बना के दूसरे दिन DNA न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल छपी थी। इफ यू हैव नॉट अटेंडेड यस्टरडे स्टीफन कोवी सेमिनार, यू कैन रीड दिस आर्टिकल, इट इज इक्वली गुड इन द थॉट प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग द होल सेमिनार। और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय ना हो तो ये बॉक्स आइटम आप पढ़ लेना। ये बॉक्स आइटम में जो बात लिखी है, दैट वॉज द सेंटेंस दैट स्टीफन कोवी टॉक्ड अगेन एंड अगेन, परहैप्स मोर देन 10 टाइम्स इन हिज हाफ एन आवर ऑफ फिजिकल प्रेजेंस अपॉन द स्टेज। और वो क्या था? डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, अदर्स विल फॉलो। वो व्यक्ति मुझे अनुकूल हो वो बाद में सोचना, पहले कौन सी जगह पे मैं उनको अनुकूल हो सकूं वे पहले आप सोचे। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट, उपनिषद में ये बात है। ऑल क्रेडिट्स टू स्टीफन कोवी।